डिस्क्राइब द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम. बोर ने कौन सा कैसा मॉडल दिया था एटम के लिए वो हमें डिस्क्राइब करना है. आंसर देखिए, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम. यानी कि नील्स बोर ने ये पोस्टुलेट्स दिए थे मॉडल ऑफ द एटम के लिए. पहला पोस्टुलेट है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. यानी कि एक एटम में सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से अलाउ होते हैं. यानी कि ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, तो अगर ये एक एटम है तो इसमें ऐसे ऑर्बिट्स ही अलाउड होंगे. ठीक है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, यानी कि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं. एटम के अंदर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स रहते हैं इस तरह के, और वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सिर्फ. सो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. तो आपको इलेक्ट्रॉन हर जगह पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ ऑर्बिट्स में ही मिलेंगे. सेकेंड पोस्टुलेट है उनका, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी सेल्स रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर्स KLMN. यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन ऑर्बिट्स पे, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता. अभी हमने रदरफोर्ड के मॉडल में देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एसिलेटेड मोशन अंडरगो कर रहे हैं एंड उनका एनर्जी रेडिएट होना चाहिए था. लेकिन उन्होंने क्या कहा, नील्स बोर ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं. अब देख, और ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर्स KLMN और द नंबर्स N1, N2, N3, N4. तो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ये न्यूक्लियस मान लीजिए, देन ये हो गए आपके ऑर्बिट्स. तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट हमारा, या फिर के शेल. ये जो है हमारा सेकेंड ऑर्बिट, या फिर एल शेल. ये जो है हमारा थर्ड ऑर्बिट, या फिर एम शेल. एंड इसके और भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं. तो मान लीजिए ये है आपका फोर्थ ऑर्बिट एंड दिस इज एन शेल. सो हम अंदर से बाहर की तरफ नंबरिंग करते हैं, मतलब शेल्स की काउंटिंग अंदर से बाहर की तरफ होती है. तो जो सबसे पहला शेल होता है अंदर से वो होता है के शेल, सेकेंड एल, देन एम, देन एन एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर क्या होता है, एटम में सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स में, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, और एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट किया जाता है वाया KLMN और द नंबर्स N1, N2, N3, N4, ओके, इन दिस ऑर्डर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.